वेलकम बैक टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कशन किया वो सेलेक्ट कमांड के बारे में किया कि कैसे अपन डेटा को आउटपुट में लेते हैं, जिसमें अपन ने वेयर क्लोज के साथ कंडीशन का यूज किया, जिसमें और का यूज किया, या अपन कह सकते हैं इन का यूज किया, एंड और बिटवीन का यूज किया, नॉट इन का यूज किया और नॉट बिटवीन का यूज किया। आगे अपन देखिए जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने यहाँ से लेकर जो ये कमांड कंप्लीट, मैं कह सकता हूँ कि जो नल है यहाँ से लेकर अपने जो भी बाकी कमांड है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कमांड क्या कहती है कि सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे स्टार फॉर्म नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे ओनली जो नंबर ऑफ कॉलम है जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप डिस्प्ले में देना चाहते हैं, उसका ही नाम लिखा हुआ है, लाइक सेलेक्ट आई डी कॉमा नेम। इट मीन्स सारे के सारे कॉलम आपको शो नहीं होंगे, ओनली आई डी और नेम शो होंगे। फ्रॉम ई एम पी, टेबल का नाम ई एम पी है। वेयर डी ओ बी इज नल, जिसकी डी ओ बी नल हो, इट मीन्स वहाँ पे डेटा कुछ नहीं होगा, ओनली नल होगा। तो अगर आपको नल डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई जो डेटा है वो डिस्प्ले करना है तो वो अपन कैसे करेंगे। तो देखिए सपोज दैट आपके पास ये टेबल है जो कस्टमर टेबल है, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने एक नल वैल्यू इंसर्ट कर रखी है 109, नल और वैभव, ठीक है। तो अब देखिए अपन इसको कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, इस बार मैं स्टार फॉर्म का यूज़ नहीं करता हूँ, ओनली जैसे यहाँ पे थ्री कॉलम्स हैं उनमें से अपन कोई भी टू कॉलम्स उसको शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस आई डी कोमा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम फ्रॉम, और टेबल का नाम अपना क्या है, कस्टमर। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट आई डी कोमा नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर डी ओ पी इज नल। देखिए अगर कोई यहाँ पे डेटा होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अपने पास ये एग्जांपल अपन जो देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर आई डी इज इक्वल टू 101, तो अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है तो अपन यहाँ पे इक्वल साइन का यूज करते हैं, और अगर अपन यूज करते हैं इसका नल का, नल वैल्यू यहाँ पे होती है तो अपन यूज करते हैं इज का, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड है सेलेक्ट आई डी कॉमा नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर डी ओ बी इज नल, ठीक है। वैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने सेलेक्ट एस आई डी कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर वेयर फर्स्ट नेम इज, और यहाँ पे नल। तो नल के साथ हमेशा अपन इज कीवर्ड का यूज करते हैं, ये हर मतलब काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन इस पे इंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसका एस आई डी क्या है 101 और फर्स्ट नेम क्या है नल, तो ये अपन को आउटपुट में मिलता है। इट मीन्स कोई नल वैल्यू को सर्च करना और उसको डिस्प्ले करना हो आपको, ठीक है, और कंडीशन के अंदर आप नल वैल्यू देना चाहते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इज कीवर्ड का यूज करते हैं, ना कि इक्वल साइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए ये दे रखा है, अब नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम्पल है वो पैटर्न सर्चिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर नेम लाइक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोर अंडरस्कोर का यूज किया गया। इट मीन्स कि जिसका नेम फोर कैरेक्टर के अंदर आएगा वो आपको डेटा शो होंगे, ठीक है। तो देखिए अपन एग्जांपल करते हैं इसका एक, इसमें इनका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, एक बार ये कंप्लीट डेटा आपके सामने है। अब अपन ये करते हैं कि जिसका डेटा फाइव कैरेक्टर का हो वही शो, मतलब जिसका फर्स्ट नेम है वो फाइव कैरेक्टर का हो वही शो हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट और देन स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर वेयर यहाँ पे मैं लिखा फर्स्ट नेम लाइक। जब भी आप पैटर्न सर्चिंग करते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको लाइक कीवर्ड का यूज करना है, तो लाइक और यहाँ पे आपको जो सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर है, जैसे मान लो अगर फाइव कैरेक्टर का डेटा अपन को चाहिए तो मैं यहाँ पे फाइव अंडरस्कोर का यूज करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे ओनली फाइव कैरेक्टर, कौन से वाले, फर्स्ट नेम जिसका फाइव कैरेक्टर में आता है, तो मोहन, मानवी और आकाश। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली बात तो ये है कि पैटर्न सर्चिंग जब भी करते हैं तो उसमें लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पर अपन को, अपन ने क्या किया, फाइव अंडरस्कोर का यूज किया है, ये कम्प्लीटली यहाँ पे शो नहीं होगा, इसलिए जो नोटबुक के अंदर है आपको इसको अलग से शो करना है, जैसे आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि अपन ने किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या है अपन ने, तो लाइक और देन फोर अंडरस्कोर, वैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, फाइव अंडरस्कोर, जो जिसके फर्स्ट नेम में फाइव जो कैरेक्टर आते हैं वो डेटा आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज एलएएल, इट मींस कि जिसके ई नेम के अंदर लास्ट के अंदर एलएएल आना चाहिए वही डेटा शो। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये अपनी टेबल है, ठीक है, और इसके अंदर जैसे अगर मैं कहूं कि कौन कौन सा डेटा चाहिए, तो भाई मेरे को वही डेटा चाहिए जिसके लास्ट में ए आता हो, तो मैं यहां पे कंडीशन कैसे बनाऊंगा, मैं आपको लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और यहां पे मैंने क्या करना है, पहले तो आपका आएगा परसेंटेज और देन लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए ए, मैं ये चाहता हूं। तो जिस जिसके फर्स्ट नेम के लास्ट में ए आ रहा है वो डेटा यहां पे शो होगा। तो देखिए मान्यता और अनामिका, तो जिसके लास्ट में आ रहा है, तो पहले तो ये देखिए ये परसेंटेज साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, कि पहले तो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, और लास्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। इसके अलावा इसको अगर अपन ऐसे देखें तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि जो शुरुआत तो ए से हो, लास्ट में इसके कुछ भी हो सकता है, वो डेटा अपन को चाहिए। तो देखिए अनामिका और आकाश, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसी कमांड के बारे में, अपन और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपन ये कर सकते हैं, लाइक जिसके जिसकी शुरुआत कहीं से भी हो और बीच में क्या आना चाहिए, एम आई आना चाहिए, बीच में कहीं भी नाम के अंदर एम आई आना चाहिए। तो जैसे इंटर करते हैं तो देखिए अनामिका, पहले कुछ भी हो लास्ट में कुछ भी हो पर बीच में क्या आना चाहिए, एम आई आना चाहिए। तो एम आई सिर्फ फर्स्ट नेम किसके अंदर आ रहा है, जो अनामिका है उसके अंदर है, एम आई आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी पैटर्न सर्चिंग है, अपन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या दे रखा है, लास्ट एग्जांपल अपन बात करें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर अ सिटी लाइक, और लास्ट इसमें थ्री डॉट्स है और लास्ट में क्या है, पी यू आर। इट मीन्स क्या है यहाँ पे कि शुरुआत वाले थ्री डॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, पर होने चाहिए ओनली थ्री कैरेक्टर्स के अंदर, जो शुरुआत में जो थ्री यहाँ पे अंडरस्कोर दे रखे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं पर होने चाहिए थ्री। लास्ट में क्या आना चाहिए, पी यू आर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको एग्जांपल अपन समझते हैं इसका। सबसे पहले मैं आपको सारा टेबल एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये आपकी टेबल है। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं कि भाई जैसे सपोज दैट कि लास्ट में ए आना चाहिए, पर इसके आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हों, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, वेयर, और यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लाइक, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है कि सपोज दैट कि लास्ट में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, शुरुआत में जो सिक्स कैरेक्टर कुछ भी हो सकता, लास्ट में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट में सिक्स कैरेक्टर कोई भी हो और लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका ये आना चाहिए। तो देखिए अनामिका और मान्यता, ये दोनों जो फर्स्ट नेम ऐसे हैं जिसके शुरुआत में फर्स्ट फाइव कैरेक्टर अदर कोई भी हो सकते हैं पर लास्ट में क्या है, ये, पर ये फिक्स करता है किसको, फाइव कैरेक्टर को, क्योंकि आपने फाइव अंडरस्कोर का यूज किया है, वरना तो अपन यहां पे परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो एक परसेंटेज साइन आता है और साथ ही साथ क्या आता है, अंडरस्कोर आता है। तो अंडरस्कोर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को करेगा, और जो आपका जो परसेंटेज साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो लास्ट वीडियो था इसको टू पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इससे अपन एक बार वापस से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पे पैटर्न सर्चिंग से रिलेटेड भी आते हैं आपके, ठीक है। तो इसको एक बार आप दोबारा इसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो, और इसको नोटबुक में तो कम्प्लीट कीजिएगा ही। ओके, थैंक यू।